नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं BSc पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल दो तरीके से अभिक्रियाएं करता है, बताया था आपको। एक तो वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है, और एक रिएक्शन में क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ हम जो रिएक्शंस देखेंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने की वजह से होंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये किसकी वजह से होंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने की वजह से अभिक्रियाएं। अल्कोहल की अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है। पहले हमने देखा था जब कार्बन और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्या होता है, तो अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित होता है, जिसमें हमने बताया था कि अल्कोहल में क्या होता है, बहुत कम अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है। अम्लीय तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं होते, केवल किसको छोड़कर, मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर। ये इतने दुर्बल होते हैं कि वाटर से भी दुर्बल अम्ल होते हैं ये। वाटर भी इजीली एच प्लस दे देता है, लेकिन अल्कोहल से एच प्लस थोड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे कि हमारा मिथाइल अल्कोहल, वो एक एक्सेप्शन है, उसकी एसिडिटी वाटर से भी ज़्यादा हाई है। तो हमने उससे कुछ रिएक्शंस देखे थे, ऐसे ही आज हम देखेंगे वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का विदलन होता है। सबसे पहली जो अभिक्रिया हम देखेंगे वो क्या है, वो है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हमने जब अल्कोहल की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी किससे, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी, है ना। अब ये बिल्कुल उसी का रिवर्स है, वही रिएक्शंस है लेकिन उनका रिवर्स है। यहाँ पर क्या है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है एसिड। हाइड्रोजन और हैलाइड मतलब एक्स, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो ये क्या है, ये अम्ल है, HCl, HBr, HI, ये सभी क्या हैं, अम्ल। यानी कि हमको अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, अम्ल के साथ करानी है। फिर देखेंगे हम कि क्या प्राप्त होता है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हाइड्रोजन हैलाइड में कराई थी। तो हमको क्या प्राप्त होंगे, अल्काइल हैलाइड प्राप्त होंगे। देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अल्कोहल की HCl या HI तथा HCl तथा HI के साथ या ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है,
किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल हैलाइडों का निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड बनेंगी। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या करना है। जैसे हमारे पास ROH है, इसकी रिएक्शन मान लो हमने HCl से कराई, तो हमारे पास क्या मिलेगा? RCl मिला और प्लस क्या मिला? प्लस H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये रिएक्शन होगी किस प्रकार से, मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का। तो जैसा कि आपको याद हो, वहाँ पर भी हमने देखा था जब एल्काइल हैलाइड से बन रहे थे, कि अगर हमारा सब्सट्रेट कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। जैसे अगर यह सब्सट्रेट एल्कोहल जो है कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो जो रिएक्शन होगी वो कौन से मैकेनिज्म से होगी? SN2 मैकेनिज्म से होगी। लेकिन अगर हमारा सब्सट्रेट 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो रिएक्शन किससे होगी? SN1 मैकेनिज्म। और हमने बताया था 2 डिग्री सब्सट्रेट जो होता है वो SN1 से भी दे सकता है मैकेनिज्म और SN2 से भी दे सकता है। तो ये बात याद रखनी है, अगर 1 डिग्री सब्सट्रेट है तो मैकेनिज्म कैसा होगा? SN2 यानी बैक साइड अटैक। और अगर 3 डिग्री सब्सट्रेट है तो मैकेनिज्म कैसा होगा? SN1 यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखें, हमने ये लिया CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3CH2Cl। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? मैकेनिज्म देखें, ये क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? अम्ल है। ये हमको क्या देगा? H+ Cl-, ऐसे ही तो टूट जाएगा। तो ये हम अम्ल क्या देते हैं? H+ देते हैं। इस H+ को कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहीं से मैकेनिज्म दिखा दें अगर हम, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH2+। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 बॉन्ड बन गए। कैसा आवेश आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बहुत अनस्टेबल है, अब ये रुकेगा ही नहीं, क्या करेगा? इसको बाहर जाना है। लेकिन अगर ये बाहर गया तो कार्बोकैटायन बनेगा, कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री अगर हम रीअरेंजमेंट भी कराएंगे तब भी 1 डिग्री बनेगा, जो कि अनस्टेबल है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो रिएक्शन में हमारे पास दूसरा स्पीसीज क्या थी? Cl-। तो Cl- क्या करेगा? ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके सिग्मा स्टार में, ये क्या है? सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, और ये पीछे वाली सिग्मा स्टार। तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन देगा बैक साइड से, और H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ से बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2O प्लस H2O, यानी कि इस स्टेप में आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा हुआ? बैक साइड से अटैक हुआ है। तो ये मैकेनिज्म कौन सी है? SN2 मैकेनिज्म। बैक साइड से अटैक हुआ है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसी मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है। अच्छा, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हम वहाँ दिखाएंगे ना जहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, यानी कि जहाँ पर क्या होगा? कायरेलिटी होगी, ऐसा कार्बन होगा जिससे चारों ग्रुप अलग अलग लगे होंगे, वहीं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल आएगा। जहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, यानी कायरल सेंटर नहीं है, वहाँ पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं करते। फिलहाल तो ये पता है SN2 क्या होता है, बैक साइड अटैक करता है, यानी कि जहाँ से लिविंग ग्रुप है उसके पीछे से अटैक करता है, और लिविंग ग्रुप जो हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो 1 डिग्री सब्सट्रेट में है, जब 1 डिग्री हो। अब 3 डिग्री में देख लेते हैं, 2 डिग्री तो भाई दोनों से ही देते हैं, 2 डिग्री तो दोनों तरीके से दे सकता है वो। 3 डिग्री के साथ देख लेते हैं, जैसे अगर ये अल्कोहल हो CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से, HCl अम्ल, ठीक है। तो क्या होगा? हम जानते हैं H+Cl-, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? H+ को ले लेंगे। तो क्या बनेगा? CH3, 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 OH2+। क्या होगा फिर? Cl- पीछे से अटैक करेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा CC, CH3, यहाँ पर Cl आ गया, प्लस H2O। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म, गड़बड़ हो गई, HCl Δ+Δ-। क्या होगा? ये जो लोन पेयर हैं, H+ को एक्सेप्ट करेंगे, इतना तो होगा। एसिड है तो एसिड क्या करेगा? H+ देगा। H+ को कौन एक्सेप्ट करेंगे? लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया
CH3 और यहाँ पर क्या बन गया OH2+। फिर क्या होगा, ये जो अनस्टेबल OH2+ बना ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाए क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, तो पहले ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 और पॉजिटिव क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, Cl- आएगा, इस पर अटैक करेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर, यानी कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, sp2 होगा ना, क्योंकि CH3+ है, तो क्या होगा एक CH3 ट्राइगोनल प्लेनर, और जो एक लीविंग ग्रुप निकला उसकी वजह से क्या होगा, ये बनेंगे हमारी empty p orbital। ठीक है, तो Cl- क्या करेगा, empty p orbital में अटैक करेगा, ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन देखने को मिलता है। ये आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जब आपने मैकेनिज्म पढ़े होंगे रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म होते हैं, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या बनता है, 50% इन्वर्टेड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, empty p orbital है, इसके दोनों फेज हैं, ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो क्या होगा यहाँ अटैक करेगा और हमारा फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। नीचे बना देती हूँ, ये तो दिख रहा होगा, CH3 और ये Cl। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, जब 3 डिग्री सब्सट्रेट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से अभिक्रिया। ये कुछ पहचाना सा नहीं लग रहा, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर पहचाना हुआ है या नहीं, यही तो है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 और HCl जो अल्कोहलों की पहचान में काम आता है, कि प्राइमरी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल बनाए हमारा, वो हम किससे पहचान करते हैं, टेस्ट ऑफ अल्कोहल क्या है, ल्यूकास टेस्ट करते हैं। ल्यूकास टेस्ट में क्या यूज़ होता है, ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि क्या होता है, ZnCl2 और HCl। तो ये क्या है हमारा, ल्यूकास अभिकर्मक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2 OH, और हमने क्या लिया है, हमने लिया है ZnCl2 और HCl। तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे अभी हुई थी, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl बनेगा प्लस H2O जो है हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है पहले तो केवल HCl की प्रेजेंस में हो रही थी, अब यहाँ पर कुछ और भी प्रेजेंस है, ZnCl2। ये किसका काम करेगा, उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करेगा। ZnCl2 में अगर हम देखें तो जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या है, एसिड है, वो भी कैसा, लुईस एसिड। ये क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं हम कैसे होगी इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसी है जैसी अब तक आप पढ़ते आ रहे थे। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ZnCl2 है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लुईस एसिड है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इससे आकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, तो पहले से जुड़ा है, और इस पर क्या आकर जुड़ गया, ZnCl2 आकर जुड़ गया। तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। इस स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, अब जैसे अगर OH है, ठीक है, OH को अगर मैं सीधे बाहर निकाल दूं तो क्या निकलेगा, OH- बाहर निकलेगा। लेकिन OH- जो है एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा लीविंग ग्रुप तो वो होता है जो बाहर निकलने के बाद स्टेबलाइज हो, है ना, और ये OH- तो स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए OH- जो होता है वो कहीं भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक बेकार लीविंग ग्रुप को अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। यहाँ पर OH क्या था, एक बेकार लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा ही नहीं आसानी से, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्टिवेशन करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अ पुअर ग्रुप इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हम OH ग्रुप का एक्टिवेशन करेंगे, किसमें, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में। तो हमने ये जैसे ही लुईस एसिड इससे आकर जुड़ा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या बन गया, एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। लेकिन अगर ये बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर भी मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2। अब क्या है हमारे पास,
H प्लस और सी एल माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा, सी एल माइनस निकलेगा। तो सी एल माइनस क्या करेगा, सी एल माइनस जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सी एस थ्री सी एस टू सी एल प्लस, प्लस क्या बना, प्लस जेड एन सी एल टू ओ एच, ये बना। आगे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर सी एल माइनस का काम तो हो गया लेकिन एच प्लस का काम अभी बाकी है। तो जैसे ही H प्लस की रिएक्शन इस पर होगी तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, जेड एन सी एल टू अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, यानी कि हमको हमारा उत्प्रेरक जो है वो वापस मिल जाएगा लास्ट में आकर। यही तो उत्प्रेरक का काम होता है, रिएक्शन में गया, रिएक्शन के रेट को बढ़ाया और एंड में जाकर वापस मिल जाता है। तो हमें हमारा जो उत्प्रेरक था वो वापस मिल गया और वाटर मिल गया। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये जो लुकास अभिकर्मक है, लुकास टेस्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे जब हम तीनों तरह के अल्कोहलों की पहचान करेंगे तो देखेंगे कि ये जो अल्कोहल हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ये किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो अल्कोहल बना है वो 1 डिग्री है, वो वहाँ देखेंगे, उसके लिए अलग से पूरा एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, जिसमें किसका विखंडन हो रहा था, जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा था। तो ऐसे और रिएक्शंस देखते हैं, ये तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ थी, और रिएक्शंस देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब रिएक्शन कराएंगे हैलाइडों के साथ, वो भी कैसे, फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस से क्या जुड़े हुए हैं, हैलोजन जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस हैलाइड बना हुआ है। फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे फॉस्फोरस से क्या जुड़ा हुआ, जैसे PBr3 है, फॉस्फोरस से क्या जुड़े हुए हैं, 3 ब्रोमीन जुड़े हैं, PCl3 है, फॉस्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़े होंगे, Pi3 बनेगा। इस तरह से जो फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैलाइड हैं उनकी रिएक्शन करानी है हमको किसके साथ, अल्कोहल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, अल्कोहल लिए हमने 3ROH अल्कोहल, प्लस इसकी रिएक्शन कराई PBr3, फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ रिएक्शन कराई, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा RBr अल्काइल हैलाइड प्लस अम्ल मिलेगा H3PO3। ये अम्ल मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, अल्काइल हैलाइड और क्या मिला हमको, अम्ल मिला। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखेंगे बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अभी तक हम करते आए थे मैकेनिज्म। ये थ्री, अब क्या हुआ, यहाँ पर H3PO4 है तो वैलेंस करना पड़ेगा, इनको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ 3 Br है तो 3ROH, तो ये कितना बनेगा, 3 Br बनेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है, बैलेंस तो आप कर ही लेते हैं, इक्वेशन वो कोई भी रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना तो आप जानते ही हैं। तो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखें, यहाँ पर हमने ये लिया ROH अल्कोहल, ठीक है, हमारे पास क्या है पी, इससे 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, Br और ऐसे जोड़ दिया Br, ठीक है। हम जानते हैं P के पास क्या होती हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, वैकेंडी ऑर्बिटल, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जब ऑक्सीजन इस पर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, यहाँ से एक Br बाहर निकल जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस पर जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, एक ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, RO, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, H, ये तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव, और इससे क्या जुड़े हुए हैं, Br2, 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। अब ये क्या हुआ, ROH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, ROH एक अच्छा लीविंग ग्रुप
नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा इसका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या हुआ, फॉस्फोरस से जुड़ गया ये। जैसे ही फॉस्फोरस से जुड़ा तो क्या हुआ, इसका एक्टिवेशन हो गया, यानी कि एक बैड लिविंग ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया। फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। प्लस क्या मिला यहाँ पर हमें, बी आर माइनस, एक बी आर बाहर भी तो निकला, बी आर माइनस मिला। अब ये क्या है, अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो सबस्ट्रेट है ओ आर जो हमने लिया है ये कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। जस्ट लाइक बिफोर, इससे पहले जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही, कि अगर 1 डिग्री होगा तो SN2 मैकेनिज्म से होगा, यानी कि पहले बी आर माइनस आएगा, पीछे से अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री होगा तो पहले बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा और उस कार्बोकैटायन पर बी आर माइनस अटैक करेगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ये तो अपने सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, तो बार बार दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, हम मानकर चल रहे जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कैसा है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो क्या होगा, बी आर माइनस, ये जो बी आर माइनस बाहर निकला है, यहाँ पर दिखा देती हूँ, आर ओ एच प्लस पी पी बी आर टू, जो उस स्टेप में बी आर माइनस बाहर निकला था, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। बी आर माइनस जो बाहर निकला था क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा आर बी आर मिला हमको, प्लस एच ओ पी बी आर टू, ठीक है, ये मिला। आप तो कह रहे थे यहाँ पर तो एच थ्री पी ओ थ्री मिल रहा था और ये तो कुछ और ही मिल रहा है। अरे भाई, अभी आपने देखा नहीं, इस पर अभी 2 हेलोजन और जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन और निकलेंगे, यानी कि 2 अल्कोहल के अणु दोबारा रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी रिएक्ट किया। अब ये जो है दोबारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि आगे स्टेप होंगे। आगे स्टेप में क्या होगा, ये एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा ROH, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ये जो है HOPBr2, यहाँ से लिख दूँ BR और ये BR, इस पर अटैक करेंगे लोन पेयर बिल्कुल वैसे ही, एक BR बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा ROH, ठीक है, ROH प्लस POH, और यहाँ पर एक BR जुड़ा हुआ है, यानी एक बी आर अभी बाकी है। तो क्या होगा, फिर से बी आर माइनस आएगा, पीछे से अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा हमको, आर बी आर मिलेगा प्लस पी ओ एच का होल ट्वाइस और एक बी आर जुड़ा हुआ है, अभी एक बी आर और बाकी है। सेम स्टेप, फिर से रिएक्शन होगा, फिर से रिपीट होगा और एंड में हमको क्या मिल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आर बी आर के, प्लस क्या मिलेगा, एच थ्री पी ओ थ्री मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 1 by 1, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर ओ एच प्लस पी बी आर थी। पहले एक ने रिएक्ट किया, एक ब्रोमिन को हटाया, फिर दूसरा स्टेप आया, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे अल्कोहल ने अटैक किया, दूसरा ब्रोमिन निकला, तीसरे अल्कोहल ने अटैक किया, तीसरा ब्रोमिन निकला, और इस तरह से हमको 3 मॉलिक्यूल, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, एक पी बी आर थ्री का मॉलिक्यूल यूज़ होगा या पी एक्स थ्री ले लो, ज़रूरी नहीं ब्रोमीन और क्लोरीन भी हो सकते हैं, तो पी एक्स थ्री कॉमनली ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म, यानी कि हमको क्या मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एल्काइल हैलाइड के, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म है, समझ में आया होगा, ऐसा कुछ टफ मैकेनिज्म नहीं है जो आपके समझ में ना आए। ये सब शायद आपने पढ़ भी रखे होंगे कभी 12th में, अगर ध्यान दिया होगा 12th की पढ़ाई पर। तो और SN1 SN2 तो आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़े होंगे, BSc पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं इसकी, तीसरी रिएक्शन है इसकी जो हम कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसी को डार्जेंसन रिएक्शन भी बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, अल्कोहल को रिफ्लक्स किया जाता है, रिफ्लक्स यानी कि पश्चवाहन। कभी लैब तो गए होंगे आप तो देखेंगे, अगर लैब में जाने का मौका मिला तो देखेंगे रिफ्लक्स कैसे किया जाता है। एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसको लगाकर रिफ्लक्स किया जाता है, यानी कि ऊपर जाएगा फिर कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाएगा, ऐसे काफ़ी टाइम तक रिफ्लक्स करते हैं, तो पश्चवाहन किया जाता है।
एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SO2, SOCl2, यह थायोनिल क्लोराइड। तो एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड तथा पिरिडीन के साथ रिफ्लक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में पश्च वाहन करने पर, यहाँ पर भी क्या मिलेंगे, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। वैसे पिरिडीन की जगह हम टर्शरी अमीन, जैसे ज़्यादातर तो आप रिएक्शंस देखेंगे वहाँ पर आपको पिरिडीन ही मिलेगा, पिरिडीन लिखा हुआ ही मिलेगा। अगर पिरिडीन नहीं है तो कोई भी तृतीयक अमीन उपस्थित होगा, टर्शरी अमीन, दैट इज़ R3N, टर्शरी अमीन, तृतीयक अमीन, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पिरिडीन ही मिलेगा। पिरिडीन भी एक तरीके का आप क्या कह सकते हैं, अमीन की तरह ही ले सकते हैं इसे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करानी है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, क्या करना है, रिफ्लक्स करना है इसको। तो हमको क्या मिलेगा, RCl मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी, प्लस हमको एक और चीज़ मिलेगी, दैट इज़ HCl एसिड, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसे होता है ये मैकेनिज्म। हम जानते हैं OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ROH है, प्लस हमारे पास क्या है, S डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, दिस इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनाएगा, जैसे ऊपर जाएगा क्या बनाएगा, नेगेटिव, फिर नीचे आएगा और क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, पहले ये बॉन्ड ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया अपनी जगह पर, और एक Cl यहाँ से बाहर निकल गया। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ROS डबल बॉन्ड OCl, और ऑक्सीजन से H तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक गुड लीविंग ग्रुप, क्या बन गया, एक गुड लीविंग ग्रुप। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कौन बाहर निकला था, Cl- बाहर निकला था, Cl- बाहर निकला था ना, तो अब इसको कौन ले लेगा Cl- को, ये जो H प्लस है ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं पिरिडीन, आप बोलेंगे पिरिडीन का काम क्या है, यहाँ पर पिरिडीन का क्या यूज़ है, पिरिडीन के पास यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर, ये जो ऑर्बिटल होती है यहाँ पर क्या होती है, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर है तो ये किसका काम करता है, बेस का काम करेगा, प्रोटॉन लेगा। तो क्या होता है, ये जो अभिक्रिया के अंदर HCl बना, Cl- ने क्या कर लिया, H+ ले लिया, तो क्या होगा, ROSOCl, ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप है, OSOCl क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, देखेंगे कैसे लिविंग ग्रुप होगा ये अच्छा। तो क्या करेगा, पिरिडीन के लोन पेयर यहाँ से H+ को ले लेंगे और यहाँ से Cl- को बाहर निकाल देंगे, यानी कि रिएक्शन के अंदर जो HCl बनता है, रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमको क्या मिला, ये हटा दूँ मैं ऐसे ना लिख करके, क्या मिलेगा हमको, HCl, यानी कि यहाँ से जो Cl- बाहर निकला उसने क्या ले लिया, यहाँ से H+ बाहर निकल ले लिया, तो यहाँ पर क्या माना, HCl। अब HCl क्या करेगा, पिरिडीन है, पिरिडीन क्या करेगा, HCl से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा, जैसे ये चार बॉन्ड बनाएगा इस पर आ जाएगा पॉजिटिव प्लस Cl-। अब क्या है, Cl- आ गया, तो आगे की रिएक्शन क्या होगी, आगे की रिएक्शन होगी ROS डबल बॉन्ड OCl, जस्ट बिकॉज पिरिडीन प्रेजेंस है यहाँ पर, किसकी प्रेजेंस है, पिरिडीन की प्रेजेंस है, इसलिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होता है। अगर इनके पिरिडीन प्रेजेंट ना हो तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो SN2 नहीं होगा, फिर क्या होगा, SNI होगा। पिरिडीन प्रेजेंट है इसलिए क्या हो गया यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा हो गया, SN2, किसकी वजह से, पिरिडीन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पिरिडीन मौजूद है, पिरिडीन क्या करता है, H+ ले लेता है और Cl- को बाहर निकालता है। इन केस अगर पिरिडीन प्रेजेंट नहीं है तो मैकेनिज्म हमारा जो होगा वो क्या होगा, SN2 होगा, यानी कि जो Cl- बाहर निकला था वो क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये यहाँ पर जाएगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऊपर आएगा, नीचे आएगा और यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये बनाएगा RCl, बनाएगा, बैक साइड अटैक हुआ SN2,
प्लस SO2 गैस बनी प्लस Cl माइनस बना। ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, यानी कि बेस जो था हमारा वो वापस मिल जाएगा। यानी कि ये बेस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस पिरिडीन से प्रोटॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, जस्ट बिकॉज पिरिडीन प्रेजेंट है इसकी वजह से ये जो मैकेनिज्म है ये कौन से मैकेनिज्म से होता है, SN2 से होता है, अदरवाइज ये SNI से होता। ठीक है, अगर पिरिडीन नहीं होता तो फिर क्या होता, SNI। SNI में क्या होता, SNI में ये होता कि SO2 क्या है, एक गैस है और किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर कहीं पर गैसियस मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होगा, क्योंकि जहां पर भी गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। तो यहां पर SO2 गैस निकलेगी, तो क्या होगा कि इससे पहले कि क्लोराइड पीछे से अटैक करे, SO2 गैस क्या है, बाहर निकल जाएगी और गायब हो जाएगी। तो क्या होगा, क्लोराइड पीछे से ना आने की वजह कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ सामने से, जहाँ से SO2 जुड़ा हुआ था वहीं से अटैक करेगा। यानी कि यहाँ पर रिटेंशन होती है, अगर SNI होता तो, अगर SNI मैकेनिज्म होता तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती, रिटेंशन। यानी कि जहाँ पर SO2 जुड़ा था, यानी कि मान लो SO2 कहाँ जुड़ा था, या OH ग्रुप कहाँ जुड़ा था, अबव द प्लेन जुड़ा था, फिर उससे क्या बना, OH का एक्टिवेशन हुआ, O से SOCl जुड़ा, तो क्या होगा, अबव द प्लेन जुड़ा था। तो अगर पिरिडीन प्रेजेंट नहीं है तो SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और Cl- कहाँ से अटैक करेगा, एवब से ही अटैक करेगा, रिटेंशन होगी। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर पिरिडीन प्रेजेंट है, और पिरिडीन क्या करती है, जो HCl बनता है रिएक्शन मीडियम में उसमें से क्या कर लेती है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर SO2 गैस निकले उससे पहले ही क्या हो जाता है, यहाँ पर बैक साइड अटैक हो जाता है और यहाँ पर मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा SNI कब होता है और SN2 कब होता है। अगर यहाँ पर प्रीडीन नहीं होता तो मैकेनिज्म क्या होता है, SNI, यानी कि पहले SO2 गैस बाहर निकलती, Cl- बाहर निकलता, और जहाँ से SO2 गैस बाहर निकली है उसी फेज से कौन अटैक करता, Cl- अटैक करता, बैक साइड से अटैक नहीं करता, तो मैकेनिज्म होता है SNI। और जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है वो रिटेंशन रहता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हम। लास्ट रिएक्शन जो बचा है वो हम देखते हैं, निर्जलीकरण, डीहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर, डी का मतलब बाहर निकलना, डीहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, निर्जलीकरण यानी कि निर्जल करना, यानी जल के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो अल्कोहल क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं, यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं, जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल कुछ निर्जलीकारक होते हैं, अल्कोहल निर्जलीकारक, जैसे कौन कौन है हमारे, जैसे कि सांद्र H2SO4, H3PO4, P2O5, या एलुमिना Al2O3 आदि के साथ उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर क्या बनाते हैं, एल्कीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है, जल बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है RCH2OH है, मैं इसको हीट करूँगी, कुछ भी ले सकते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, या Al2O3 भी ले सकती हूँ, या P2O5 भी ले सकती हूँ, और हाई टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन होंगी कैसे होंगी, हाई टेम्परेचर पर होंगी। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ ताकि आपको बेटर दिखे, ये है
CH2R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ये OH है, CHOH, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH और एक H ये है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी क्या, बन गई एल्कीन बन गई, और क्या बाहर निकला हमारे पास, H2O बाहर निकला। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं, निर्जलीकरण अभिक्रियाएं, इनमें जल बाहर निकला और किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का निर्माण हुआ। अच्छा, ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें इंटरमीडिएट भी बनता है, ये जो एल्कीन फॉर्मेशन होती है इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बनी है, एल्कीन बनी है ना, एल्कीन बन रही है यहाँ पर। तो अगर हम देखें निर्जलीकरण का क्रम, हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल होते हैं ना, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, तो कौन ज़्यादा जल्दी निर्जलीकृत होगा, तो जो होता है निर्जलीकरण जो होता है, निर्जलीकरण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बो कैटाइन की, कार्बोकैटाइन के स्थायित्व के, यानी कि मैंने जैसा भी बोला कि जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ देखेंगे किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटाइन बनता है, तो कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा स्थायी बनेगा निर्जलीकरण का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। और कार्बोकैटाइन के स्थायित्व का ऑर्डर हम जानते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम भी क्या होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है और निर्जलीकरण भी वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल पहले निर्जलीकृत होंगे, फिर 2 डिग्री और सबसे कम देर में कौन निर्जलीकृत होंगे, 1 डिग्री। तो ये क्या है, ये क्रम है निर्जलीकरण का क्रम, किसके, अल्कोहल्स के निर्जलीकरण का क्रम है ये। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी निर्जलीकृत होंगे कंपेरेटिवली टू 2 डिग्री एंड देन टू 1 डिग्री, ठीक है। इनका मैकेनिज्म देखते हैं भाई, कैसे होती हैं ये रिएक्शंस, तो इनका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मिटा देती हूँ, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैकेनिज्म देखते हैं, मान लो हमारे पास ये है R CH2, या फिर ये लो लो CHOH, और ये हमारे पास CH3, या R की जगह भी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, CH3 लेकर CH2 CH3 ले लेते हैं। कुछ और भी एक्सप्लेन करना है वो भी इसी एग्जांपल में एक्सप्लेन हो जाएगा, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए क्या होता है, हम इसको हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, किसके साथ, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हम हीट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं H2SO4 क्या है, अम्ल है, वो भी कॉन्सेंट्रेट, तो ये क्या देगा, H+ देगा प्लस HSO4 माइनस H+ देगा, ये अम्ल है, अम्ल का काम क्या होता है, H+ देना, और कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल है तो H+ बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा। यहाँ पर एल्कोहल है और OH- क्या, OH क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो क्या करेगा ये, इधर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसके लोन पेयर, तो क्या होगा, लोन पेयर ने प्रोटॉन ले लिया, तो क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH OH2 प्लस, इसने प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, और ये हमारे पास CH3, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला इस रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा रहेगा, SN2 SN1, अरे भाई SN2 होता तो बैक साइड अटैक होता, और कार्बोकैटायन किस में बनता है, SN1 में, लेकिन यहाँ तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो क्या यहाँ पर SN1 अभिक्रिया होगी, और अगर चलो कार्बोकैटायन बनेगा भी निकलेगा भी, SN1 हो भी रही है, कार्बोकैटायन हो रहा है, तो उस पर कार्बोकैटायन पर कोई दूसरा अटैक करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एलिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एलिमिनेशन हो रहा है, किसका, H2O का एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर SN1 SN2 मैकेनिज्म तो हो नहीं सकती, कौन सी मैकेनिज्म होंगी,
SN1 और SN2 क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ था, S2 जुड़ा हुआ था, ये निकल गया, कार्बोकैटायन बना, उसकी जगह पर दूसरा ग्रुप आकर इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया, दूसरा ग्रुप आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन थोड़ी ना करना है, यहाँ पर तो हमको वाटर का एलिमिनेशन करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा? एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यानी कि क्या बोलते हैं इनको, विस्थाप एलिमिनेशन को हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे सब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, SN1 होती है, SN2 होती है, SNI होती है, ये क्या है ये तीनों, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ऐसे ही हमको क्या करना है यहाँ पर, एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी तीन तरह की होती है, एक E1 होती है, एक E2 होती है, और एक होती है E1CV मैकेनिज्म। तो यहाँ पर भी तीन तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं। तो ये कौन सी वाली एलिमिनेशन रिएक्शन है? तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का निर्माण किसमें होता है? E1 एलिमिनेशन अभिक्रियाओं में। किसमें होता है? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? वो है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा होगा? E1 मैकेनिज्म है। H2O क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिख देती हूँ, CH3, CH2, CH, यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन और ये क्या है, CH3। अब मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ H, और इसको भी मैं ऐसे लिख दूँ CH2H। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा होगा? E1 कार्बोकैटायन बना है E1। अब क्या होगा, बेस आएगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, प्रोटॉन बाहर जाएगा, यानी कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है इनको यहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा, अगर ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और H+ बाहर निकलता है, ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक में तो ये वाला H+ बाहर निकल रहा है तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। एक में तो ये वाली एल्कीन बनेगी और एक में ये वाला H+ बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अब एल्कीन तो दो तरह की बन रही हैं, तो कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी और कौन सी माइनर बनेगी, यानी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दो तरह की एल्कीन बन रही हैं, दोनों 50-50% तो नहीं बन सकती, एक मेजर होगा एक माइनर होगा, यानी एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट बहुत बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो क्या है, तो इस पर आपने 12th में कुछ रूल पढ़े होंगे, एक साइटजेफ रूल और हॉफमैन रूल से, एक होता है साइटजेफ प्रोडक्ट और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये जो एल्कीन है ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। कैसी है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर देखें तो एक तरफ तो बड़ा सा R ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, केवल हाइड्रोजन। तो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या है ये? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती हैं, और जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, यानी ये एल्कीन दो तरफ से R ग्रुप से घुरी हुई है, ऐसी तो है, सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ ये वाला R ग्रुप है, एक तरफ ये वाला R ग्रुप है H और H, तो क्या हुआ, ये दो तरफ से सब्स्टिट्यूटेड है, इधर से भी R ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है और इधर से भी R ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ज़्यादा भीड़ भाड़ में घिरी हुई एल्कीन है। तो ये वाला क्या, कौन सा प्रोडक्ट है, ये होता है साइटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी कि दोनों तरफ से ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी एल्कीन के, वो वाली एल्कीन क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा साइटजेफ प्रोडक्ट, ये मेजर होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा माइनर होगा। ठीक है, क्योंकि एल्कीन बनेगी तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, साइटजेफ प्रोडक्ट। कुछ एक्सेप्शन हैं जो आप कभी आगे देखेंगे, रिएक्शंस आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर साइटजेफ ना बनकर हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर साइटजेफ मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता, वहाँ पर कौन बन रहा है, हॉफमैन बन रहा है। लेकिन वो अलग कंडीशन होती है, अलग रिएक्शंस हैं, अगर कभी आएंगे आपके सिलेबस में तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो वही एल्कीन बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी साइटजेफ प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी कि कौन सी जो ज़्यादा स्टेबल होगी वही तो बनेगी। तो देख लेते हैं कौन सी एल्कीन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली। और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, आप लोगों ने इफेक्ट पढ़े होंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन,
पढ़े होंगे ना। तो जब हम एल्केन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन यानी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, कि कितने हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इस डबल बॉन्ड से, तो इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन है इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ उसे देखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर कितने प्रोटोन हैं, दो, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे, इसमें दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दो। जबकि इस एल्कीन में देखें इधर भी एक सी एस थ्री ग्रुप है, इधर भी एक सी एस थ्री ग्रुप है, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, इससे तीन हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सिक्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर छः हाइपर कंजुगेशन होंगे, यहाँ पर दो हाइपर कंजुगेशन होंगे, और हम जानते हैं जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा एल्कीन क्या होगी, स्टेबल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, एल्कीन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको हॉफमैन सर्जेस प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो एक्चुअल में हॉफमैन जो लेस सब्सटीट्यूटेड है वो हॉफमैन प्रोडक्ट है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड है वो सर्जेस प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता तो आप ये भी देख सकते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा ये मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर, और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, E1 मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी देख चुके हैं, पहले जो मैकेनिज्म किए थे हमने, जहाँ पर कार्बोकैटाइन बना था, तो मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ पर भी कार्बोकैटाइन का नाम आता है वहाँ पर एक और चीज़ आती है, रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटाइन होगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगा। तो लेकिन अगर, तो मान लो अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल दे दिया है, ये है CH3, 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 CH2, OH, इसके माध्यम से समझते हैं, यहीं लिख लूँ CH3, इस तरीके से एक अल्कोहल दे रखा है, ये OH, इस तरह से एक अल्कोहल दे रखा है, मैंने इसको H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया हाई टेम्परेचर पर। तो जैसा कि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या देगा, H+ आयन देगा, तो OH- क्या करेगा, यहाँ से जो H+ आयन मिलेंगे उनको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर क्या होगा, ये बनेगा CH3, 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 CH, कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर है CH3। अब ये कैसा कार्बोकैटायन बना, 2° कार्बोकैटाइन। तो जहाँ पर भी कार्बोकैटाइन है वहाँ पर एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट, यानी कि पुनर्विन्यास होता है। क्यों होता है पुनर्विन्यास, लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनर्विन्यास करते हैं। एज इफ वी कैन सी हियर, जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, 2° कार्बोकैटाइन है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, 2° से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3°। और जैसा कि हमको दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, 3° बन जाएगा, इस कार्बन पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, 3° बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी होती है, हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से भी होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होती है। हाइड्राइड शिफ्ट हमने पिछले एग्जांपल्स में देखी थी, ये एग्जांपल किसका है, मिथाइल शिफ्ट का। वहाँ पर हमने देखा था 1-2 पोजीशन पर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, 2° से 3° कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पर भी 2° से 3° कार्बोकैटायन बनाना है तो यहाँ पर भी शिफ्ट करनी पड़ेगी, कौन सी शिफ्ट करनी पड़ेगी, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है, मिथाइल शिफ्ट। क्या करना पड़ेगा, इस CH3 को अगर मैं यहाँ इस कार्बन पर ले जाऊँ तो क्या होगा, ये तो यहाँ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पर। तो इस कार्बन से 1, 2 और 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, 3° कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, इसी को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो क्या होगा, CH3 निकल गया, कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये क्या बन गया, CH3, और बन गया पॉजिटिव चार्ज, अब बन गया हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप होगा कि यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा,
एच प्लस निकलेगा और यहाँ पर से हमको क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। तो यहाँ पर दो प्रॉप्स पास, तो क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन है ये क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा और एच प्लस क्या होगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस एच प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C एक तरफ इस पे जुड़ा है CH3 और ये CH3 और ये कैसा प्रोडक्ट है, ये ZF प्रोडक्ट है क्योंकि ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन बन रही है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड चारों तरफ से सब्सटीट्यूटेड है, ZF प्रोडक्ट मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन ही बनती है हमेशा, हमारा क्या बनती है मेजर प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन ये कैसे बना, रीअरेंजमेंट से बना, तो जहाँ पर कार्बोकैटायन होगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है, किस लिए, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन से रिएक्शंस हैं या कौन से टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम लैब में कोई अल्कोहल बनाया तो हम कैसे पहचान करेंगे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो उनके लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं उनको देखेंगे, उनके ऊपर एक पूरा लेक्चर है। इसके अलावा अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन को देखेंगे कि जब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उनसे क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, क्या प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।